देश में कोरोना संकट पर सरकार के हाथ से फिसलती जा रही है बाजी। पहली बार पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 2.5 लाख के पार। कोरोना के कुल केस 2,61,500। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 1,500 से भी ज्यादा लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना पीड़ितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा आधा। 24 घंटे में 1,38,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश में अभी भी 18 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले। अब तक देश में कोरोना से 1,77,150 की जा चुकी है जान। देश में अभी तक 12,26,22,000 से ज्यादा लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। कोरोना पर अफसरों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी बोले, जिस तरह पिछले साल कोरोना को हराया ठीक वैसे ही इस बार भी बीमारी को हराएंगे। प्रधानमंत्री ने फिर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया। कहा 3T का कोई और विकल्प नहीं। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट तेजी से लगाने पर जोर दिया। रेमडेसिविर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर भी की समीक्षा। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन का अहम रोल। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पूरी क्षमता से काम करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री की बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य मंत्री के सचिव, फार्मा सेक्रेटरी के साथ साथ नीति आयोग के डॉक्टर वी के पॉल भी मौजूद रहे। दिल्ली में फिर कोरोना के नए मामलों से हाहाकार। 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मामले, 167 की जान गई। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी, रात भर डटी रही पुलिस। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन 164 लोग गिरफ्तार, 350 पर कर्फ्यू के उल्लंघन का मामला। दिल्ली में व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त। कोरोना ऐप पर बेड की गलत जानकारी देने पर अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जे एन पटेल को भी कोरोना, 3 और जज पॉजिटिव। महाराष्ट्र में 67,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 419 लोगों की जान गई। मुंबई में 8,800 संक्रमित, एक दिन में 52 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन संकट से आकर उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया ऑक्सीजन को लेकर राजनीति करने का आरोप। कहा देश में ऑक्सीजन का 110% उत्पादन। कोरोना पर सियासी जंग जारी। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र पर ऑक्सीजन मशीन का ऑर्डर रोकने का आरोप लगाया। यूपी में फिर फटा कोरोना बम। 24 घंटे में 27,357 नए मामले, 120 मरीजों की जान गई। आज यूपी में एक दिन का संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत। नोएडा में कोरोना वायरस का कहर बनकर टूटा। IPS अंकिता शर्मा समेत 493 मरीज सामने आए। नोएडा गाजियाबाद में 35 घंटों का लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत। लखनऊ पीजीआई में ऑक्सीजन प्लांट तैयार, 20,000 लीटर ऑक्सीजन मरीजों को मिलेगी। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी कैदियों की पेशी, DM ने जारी किया आदेश। राजस्थान में कोरोना के 9,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 37 लोगों की जान गई। सोमवार सुबह तक है लॉकडाउन। जोधपुर में कोरोना विस्फोट, एक दिन में 1,265 नए मामले, 39 CRPF जवान संक्रमित। कोरोना पर आज गहलोत कैबिनेट की बैठक। CM बोले कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगी हमारी जिम्मेदारी। राजस्थान में RT-PCR टेस्ट के दाम घटे, 500 रूपये से घटाकर अब 350 किया गया। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़ों में गड़बड़ी। सिर्फ भोपाल के 2 शमशान घाटों में कोरोना प्रोटोकॉल से 104 शवों का हुआ दाह संस्कार, लेकिन 16 अप्रैल तक पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना से सिर्फ 60 मौत दर्ज। सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में भोपाल में शमशान घाट में एक साथ जलती नजर आई 30 चिताएं। भोपाल के अमीदिया अस्पताल में 816 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी, कुछ ही दिन पहले आया था नया स्टॉक। मध्य प्रदेश में कुंभ से लौटने वालों को आइसोलेशन में रहना होगा, शिवराज सरकार ने जारी किया आदेश। कुंभ से लौटने वालों को दिल्ली में होम क्वारंटीन करना होगा, 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी। ओडिशा में कुंभ से लौटने वालों का होगा कोरोना टेस्ट, 14 दिन क्वारंटीन के बाद ही घर जाने की इजाजत। केरल में नए मरीजों का रिकॉर्ड टूटा, पिछले 24 घंटे में करीब 24,000 संक्रमित, 27 की जान गई। कर्नाटक में नए कोरोना मरीजों की संख्या 17,000 पार। बेंगलुरु में 11,400 नए मामले, 80 की जान गई। तमिलनाडु में लगातार बढ़ते कोरोना मामले, एक दिन में 9,000 से ज्यादा नए मामले। पुणे में थम नहीं रही है कोरोना मरीजों की संख्या, एक दिन में 12,836 केस। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में भी रेमडेसिविर निर्यात पर रोक, सिर्फ महाराष्ट्र में ही बेचने की इजाजत।
टेनविजवेयर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर से पूछताछ पर डीसी दफ्तर पहुंचे पूर्व सीएम फडणवीस, आरोपी पर 60,000 इंजेक्शन रखने का इल्जाम। पुणे में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले दो भाई गिरफ्तार, अब तक 5 मामले दर्ज, 9 आरोपियों की गिरफ्तारी। ड्रग कंट्रोल विभाग ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 युवकों को दबोचा, नॉट फॉर सेल के लेबल का इंजेक्शन 25,000 में बेच रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पर पटना के एनएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट ने कार्यभार से मुक्त करने की लगाई गुहार, स्वास्थ्य प्रधान के विभाग के प्रधान सचिव को लिखा खत। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कोरोना पॉजिटिव, को ट्वीट करके जानकारी दी। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी कोरोना संक्रमित, रांची में हो रहा इलाज। रांची में एक दिन में कोरोना के 1400 ज्यादा मरीज, पूरे झारखंड में 3,838 मामले। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित, 1 जून के बाद होगी समीक्षा। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बनी हाईलेवल कमेटी, उद्योग और वाणिज्य विभाग के सचिव कमेटी के प्रमुख होंगे। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मरीजों के हाल बेहाल, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल पा रहा है दाखिला। दिल्ली के अस्पतालों में भी बड़े पैमाने पर धांधली, पति को अस्पताल में भर्ती करवाने में एक महिला को लगे 4 दिन। कानपुर में मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों से डॉक्टरों का विवाद, डॉक्टरों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुणे के एक परिवार के लिए कल बना कोरोना, 15 दिन में 4 लोगों की जान गई। अमरावती में अंधभक्ति पड़ी भारी, कोरोना मरीज का तांत्रिक से इलाज करवाने पर महिला की मौत। प्रधानमंत्री की अपील के बाद जूना अखाड़े ने किया कुंभ समापन का फैसला, कहा लोगों की जान बचाना प्राथमिकता। ताजा रिपोर्ट में हवा से कोरोना के फैलने की बात, डॉक्टरों ने कहा मास्क ही एकमात्र उपाय। डीआरडीओ ने दिल्ली एयरपोर्ट के पास बनाया कोविड अस्पताल, 500 बेड वाला है यह अस्पताल, सारी सुविधाएं उपलब्ध। ग्रेटर नोएडा का निम्स बना कोविड अस्पताल, कोरोना मरीजों के लिए 300 बेड। नागपुर में सड़कों पर घूमने वाले लापरवाहों के खिलाफ एक्शन, क्वारंटीन पर भेजे गए 12 लोग। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान में चिटपुट हिंसा, 78% हुआ मतदान। विधाननगर में टीएमसी बीजेपी समर्थकों में झड़प, ममता के ऑडियो पर बीजेपी ने एसएटी जांच की मांग की। आज छठे दौर के लिए अमित शाह का मैराथन प्रचार, 2 रैलियां और 2 रोड शो में भरेंगे हुंकार। ममता बनर्जी भी आज ताबड़तोड़ प्रचार, आज अपने पूर्व चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में करेंगी रैली और रोड शो। आसनसोल की रैली में ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री का पहाड़, बोले खंड खंड हो गए टीएमसी, दीदी के पास सिर्फ 15 दिन। मध्य प्रदेश के शहडोल से बेहद दर्दनाक खबर, ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में 12 मरीजों ने दम तोड़ा। एडीएम ने शहडोल में ऑक्सीजन की कमी की खबर खारिज की, लेकिन मृतकों के परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी का हवाला दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शहडोल मेडिकल कॉलेज में 12 मौतों पर जताया दुख, कहा ऑक्सीजन की कमी से मौत बेहद दुखद। केंद्र पर राहुल गांधी का हमला, कहा कोरोना काल में इंसानियत और पारदर्शिता की जरूरत, अहंकार में सच को दबाकर लाखों लोगों की जान से खिलवाड़। सोनिया गांधी ने केंद्र पर लगाया कांग्रेस शासित राज्यों की अनदेखी का आरोप, कहा कुछ ही दिन की ऑक्सीजन और वैक्सीन बाकी, क्यों चुप है मोदी सरकार। लालू यादव की जमानत पर आरजेडी में खुशी की लहर, तेज प्रताप बोले बाहर आते ही गिर जाएगी नीतीश की सरकार। राजस्थान के उपचुनाव में 61% मतदान, 3 सीटों पर हुई थी वोटिंग। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को लेकर धरने पर बैठे विधायक, समर्थकों ने किया जमकर हंगामा। रसगुल्ले के बदले मांगे जा रहे थे वोट, पुलिस ने जब्त की मिठाई। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के गुर्गे राजनाथ यादव से पूछताछ, पुलिस रिमांड में। सियाचिन में ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ मेरठ का लाल, नम आंखों से दी गई विदाई। बद्रीनाथ में बर्फबारी, मंदिर के चारों तरफ बिछी सफेद चादर। उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री में भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में गिरा तापमान। सोलन में जोरदार बारिश से पानी भरा, घंटों लबालब रहा कालका शिमला नेशनल हाईवे। खुबानी के फूलों से ले हुआ गुलजार, फेस्टिवल में दिखे परंपरा के हर रंग। रायपुर के अस्पताल में आग से 2 मरीजों की मौत, बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में भयंकर आग, गैस सिलेंडर फटने से सैकड़ों झुग्गियां खाक। अमृतसर में एक लड़की से सरेआम लूट, एक्टिवा रोककर मोटरसाइकिल सवार ने लूटी चेन।
दवा कारोबारी को मारी गई गोली, दवाई खरीदने के बहाने आए थे बदमाश। लुटेरी दुल्हन वाले गैंग को पुलिस ने दबोचा, 9 बदमाश गिरफ्तार, 72,000 कैश और 3 बाइक बरामद। टोल कर्मियों से लूट और मारपीट, 4 आरोपी गिरफ्तार। फरीदकोट में 60 साल के बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या, सर काटकर साथ ले गए कातिल। सोनीपत में किसान की हत्या के मामले में बीजेपी जिला पार्षद का भाई सहित 2 गिरफ्तार, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। यूपी के हमीरपुर में किसान की पीट पीट कर हत्या, नाले में मिला शव। धनबाद में काली मंदिर परिसर से 6 महिला चोर गिरफ्तार, पूजा के दौरान 8 महिलाओं के गले से उड़ाई थी सोने की चेन। मुंबई में ड्रग तस्करी के आरोप में 1 नाजरीन गिरफ्तार, एंटी नार्कोटिक सेल ने की छापामारी। आईपीएल में हैदराबाद की हार के हैट्रिक, 13 रन से जीत कर टॉप पर पहुंची मुंबई। मुंबई की जीत के हीरो रहे राहुल चार और ट्रेंट बोल्ट, दोनों ने 3-3 विकेट छटके। मुंबई ने हैदराबाद के सामने रखा था 151 का लक्ष्य, मैन ऑफ द मैच रहे पोलार्ड ने 22 गेंदों पर 35 रन जड़े। मुंबई की ओर से रिकॉक ने 46 और रोहित शर्मा ने 32 रन बनाए। हैदराबाद की शुरुआत धमाकेदार रही, 7 ओवर में वॉन और बेस्टर ने 67 रन जोड़े, लेकिन फिर पारी लड़खड़ाई। नमाकों से महारानी एलिजाबेथ ने दी पति को आखिरी विदाई, विंडसर कैसल में प्रिंस फिलिप का अंतिम संस्कार। प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार में 30 लोग शामिल, सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। शाही कार्यक्रम के बाद हैरी और विलियम एक साथ नजर आए, शाही परिवार को छोड़ अमेरिका में रह रहे हैरी। प्रिंस फिलिप की शोक सभा से भागी महिला, सड़क पर हुई चॉपलेस, पुलिस ने हिरासत में लिया। दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 30 लाख पार, अमेरिका, ब्राजील और भारत में सबसे बुरा हाल।